आलोचना करने आलोचना भाग ने अच्छा प्रीति धल समाजसेवी अच्छा आम सहित धीरेन सेनापति अच्छा बीजेपी मुखपात्र सहित अच्छा प्रज्ञा महांती कांग्रेस नेत्री अच्छा मैडम प्रीति धल आपंठ आरंभ करवाक चाहिए प्रथम जो प्रकृत में राज्य सरकार राज्य मुखिया नवीन पटनायक राज्य पुलिस मुखिया बारंबार कहती जे शिशु मैंने सुरक्षित राज्य में शिशु भविष्य नहीं प्रश्नवाची ना कि प्रकृत में जो चित्र आज सुंदरगढ़ सामनाक आसी आपड़ निज छाती हाथ रखी कहीपरेंगे जे राज्य में शिशु मैंने सुरक्षित सेमान को भविष्य को नहीं कौन प्रश्नवाची ना देखु जितेबले आम यही घटना मान सब आपण मान द्वारा गणमाध्यम द्वारा लोकलोचन को आसी थाए से विषय उपर आम आलोचना करुचे स्माइल जहाँ आपण कहले जे मैंने स्माइल गोटे स्माइल जो अभियान थमर परी रथ जो चली ए सबू केवल शिशु मानू सुरक्षा देवाई ये जो घटनाटी आपड़ सुंदरगढ़ आज आम जहाँ को लेकिन आलोचना करुचे ये घटनाटी है मानते शिशु चालाण करा बिक्री करा जे से शिशु मानू नहीं बाहर केसुरक्षित अवस्था से मैंने रोचे से बिलकुल भी मानने से मैं सेक्सुअली अब्यूज करवृत्ति में लग जाऊँगी यहाँ हूँ तार मानते ज्वलत मानने गोटे खोला चित्र पूरा जोटा ये मानने स्पष्ट करके देखे आमर जो भारतीय माने आमर दंडविधान संहितार अच्छी जे जो आमर लॉ अच्छी आमर शिशु अपहरण को माने सेटा को कठोर भाव तापाई रही दंड व्यवस्था रही जेल व्यवस्था रही किंतु घटनाटी होची जेते बड़े समान को अरेस्ट करा जाउची समाने जाउचंती जेल को जाउचंती कि जे भी होची तापरे समाने पर मुहूर्त रे बेल पाइके जेमते तांकर गोटे प्रोसेस रहउची समाने बाहरी आछंती एवं ता पर मुहूर्त रे समाने सेही पूर्णी कार्य रे लिप्त रहउचंती किंतु आपण को मो मने पके देबा को पई चाहिबि हमर गोटिए जातीय मानवाधिकार कमिशन को तथ्य थिला 50% पुलिस कर्मचारी आमर एही शिशु अपहरण मामला को गुरुतर सह नियंती नहीं तो सही जगह रे देखंतु एही भले घटना माने आहुरी आगो को घटी थाए एवं बहुत मात्रा रे मध्य एटा देखा जाए था। जो घटनाटी आपण एठी आमे आज ए विषय को नहीं कि आलोचना करूचे ए घटनाटी जेहेतु सामना को आसिला तेणु आम या आलोचना करुचे या भितर आम देखा जदि लॉकडाउन कथा मुझे कहि लॉकडाउन भितर बहुत शिशु माने शिशु बिक्री होती माने शिशु चालाण बहुत गुड़े आसी लॉकडाउन होबार संभावना थिला बोली आमर चाइल्ड माने काउंसलर मान को गवर्नमेंट ये तरफ सचेतनता कार्यक्रम सब ये करने कि जो कार्यक्रम गुड़िक रोचे अधा होकर रही जाऊँगी ता परवर्ती अवस्था रे कौन होउची शिशु माने को भली सुरक्षित अवस्था रे अछंती ना नाही से दिगरे बिल्कुल भी केही भी माने या पर गुरुत्व देउ नाहंती जेहेतु मु प्रथमे कहय पई चाहि बि जे बस्ती अंचल गुडी कर आपण देखिबे सेठी तो बहुत मात्रा रे होउची आउ आज भी आपण को माने जदी आपण देखिबे भुवनेश्वर रे किछि बस्ती रे मध्य शिशु चालान होउची एथिरे आपण माने मना करि परिबे नाही कारण आपण जे देखिबे बापा मा माने होउछन्ती दिन मजुरिया बापा मा गले एपटे किछि अलगा लोक माने थांती सेई पाख पड़ोशी लोक संगे से कंटाक्ट करें जेहेतु से सबू विषय एत अज्ञात और अज्ञ से जापारे ना यार आईन नियम आम पिला कड़े पलैला परवर्त अवस्था से कम्प्लेन करते कि पूर्व किसी लोक गोटे यही राकेट चलते थे तेणु या रोक लगे निहती भाव सचेतनता कार्यक्रम बहुत जरूरी राज्य सरकार नजर ना शिशु मैंने असुरक्षित अच्छा राज्य सरकार ठीक से मॉनिटरिंग करूना प्रज्ञा महांती आप मैडम जानवाक चाहिए प्रकृत राज्य सरकार कथा और कार्य के फरक था सुंदरगढ़ में जो खबर आसी केवल सुंदरगढ़ में सीमित ना आप आकलन करूर्वर जो तथ्य आसी 4000 अधिक शिशु निखोज अच्छा से पाखे एपर्तंत राज्य सरकार पहुंची पारिना ये किसी राकेट चली पूरा राज्य में आम राज्य शिशु जाऊँच पड़ोसी राज्य में बिक्री होती पुणी राज्य सरकार पुलिस विभाग जापार ना यह अपारगता नुहे तो आउ कौन कह जाए राज्य सरकार आज जो प्रसंगटी रही स्माइल कांदुची वास्तव में स्माइल कांदुची पिहू कांदुची परी कांदुची देखु सेते जो घटना आपण मैंने गणमाध्यम आनी लोकलोचन को आनी परी कथा हो पिहू कथा हो स्माइल कथा हो सेते बड़े अहरह जिते बन गोटे संग्राम रहा सेते बड़े गोटे सरकार कौन कला कि तत्परता देखला और कहला कि सात दिन भितर आम सब शिशु को खोजी आणवु 27000 शिशु को खोजी आणवु यापाई गोटे टीम तागला आपको गोटे रूप चूड़ांत रूपरेखा दिवाली कहगला कि बास्तव में कौन सात दिन पर सैया कि प्रेस रिलीज जो करते पुलिस डिपार्टमेंट से कौन बास्तव सत्य से कौन सामना को आनी कि जदि आनी पुणी आज यही प्रसंगटी पुणी केमती आज आगे आसला राउरकेलार ये जो घटनाटी पुणी घटा को कमी साहस कर
ତାମାନେ ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛୁ ଯେ ଏଠି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରା ଯେଉଁ ମହିଳା ଶିଶୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରହିଛି ସେ ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମା ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ 40 ବର୍ଷକୁ 400 ଶିଶୁ ମହିଳା ଛୋଟ ନାବାଳିକାମାନେ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି, ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି ପୋଲିସକୁ ଯଦି ସତରେ 5T ଦିଆଯାଇଛି ପୋଲିସ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଅବହେଳାଟା କେଉଁଠି ରହୁଛି? ପୁଣି କାହିଁକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କାହିଁ ସ୍କାମ ଆସିଲା? ଯଦି ଏଟାକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବା ଏଠି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍କାମ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ସରକାର ତତ୍ପରତା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇୱାସ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁଣି ଦିଗହରା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଣି ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ତିଆରି କରୁଛି, ଗୋଟେ ଆଇନ ଲାଗୁ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ବାହାର ହେଉଛନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ, କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦିଗହରା କରାଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ତତ୍ପରତା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ପୁଣି ନୂଆ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ କାନ୍ଦୁଛି ସ୍ମାଇଲ ରଥ ପିଉ ଏପରି ଏ କେସ୍କୁ ନେଇକି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଜି କ'ଣ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ତିଆରି ହେଇକି ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯାଉଛି, ପୁଣି ବାସ୍ତବରେ ସେ ଜିନିଷ ପୁଣି ରହିଯାଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାଣୁ ହେଇକି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2021-17 ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ମହିଳା ଖୋଜି ଯେତେ ଶିଶୁ ଯାଇଛନ୍ତି 27,000 ଶିଶୁ ଖୋଜି ଆଣିବୁ, ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ଟିମ୍ ଯଦି ଏଇଟା ସତରେ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପୁଣି ଆସିଥାନ୍ତେ କି ସ୍କାମ ଟାକୁ? ତାମାନେ ଏଠି ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲି ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାମ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଫରକ ରହୁଛି। ଆମ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।